प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को नॉर्थ सिक्किम में हुए एक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले राज्य के 4 सैन्य जवानों के परिवारों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। सीएम ने जवानों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की है। सीएमओ ने इस बारे में जानकारी दी है। सीएमओ ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सिक्किम में एक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले राज्य के 4 सैन्य जवानों के परिवारों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। सीएम ने जवानों के परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की। सिक्किम में हुए इस हादसे में यूपी की राजधानी लखनऊ के रहने वाले चरण सिंह, एटा के रहने वाले भूपेंद्र सिंह, उन्नाव के रहने वाले श्याम सिंह यादव और मुजफ्फरनगर के रहने वाले लोकेश कुमार शहीद हुए हैं। वहीं जवानों के शहीद होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अपने ट्वीट में लिखा कि सिक्किम में एक सड़क दुर्घटना में सेना के जवानों का निधन अत्यंत दुखद व पीड़ादायक है। भारत के वीर सपूतों को विनम्र श्रद्धांजलि। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। परमपिता परमेश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। बता दें कि उत्तरी सिक्किम के जेमा में शुक्रवार को सेना का एक ट्रक तीव्र मोड़ पर मुड़ते समय खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 3 जूनियर कमीशन अधिकारियों समेत 16 सैन्य कर्मियों की मौत हो गई, जबकि सेना के अनुसार 4 घायल जवानों को हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला गया। सिक्किम में हुए इस हादसे में यूपी के रहने वाले 4 जवान शहीद हुए हैं।